साथियों, जो साथी जेल के अंदर मुकदमे चले हुए हैं उनके मुकदमों को वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई हैं और सरकार ने इन वैकेंसियों को हमारे बच्चों को रोकने के लिए उसी मकसद से उन लोगों को उठाकर उनको नामजद करके जेल में डाला। वो बच्चे जेल से तो जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन मुकदमे अभी बाकी हैं। अगर मुकदमे वापस नहीं हुए तो वो बच्चे सरकार द्वारा निकाली हुई नौकरियों से वंचित रह जाएंगे, जो सरकार का मकसद है, और सरकार अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। इसलिए सम्मानित साथियों, उन बच्चों के मुकदमे वापस होने बहुत ज़रूरी हैं और उन बच्चों के मुकदमे आप करा सकते हैं, हर एक व्यक्ति करा सकता है। वो व्यक्ति करा सकता है जो 13 जनवरी 2019 रामलीला मैदान में पहुंचकर अपनी बात को ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुँचाएँ। अगर हम वहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठी करने में मकसद में कामयाब रहे तो हमारे जो ज्ञापन हैं गृहमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को जो हमने दिए हैं कि सभी लोगों के मुकदमे वापस लिए जाएं, जिस तरह बहन जी ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में सरकार पर एक प्रेशर बनाकर मुकदमे वापस लेने के लिए जो प्रेशर बनाया और वहां की सरकारों ने उस फरमान को आगे अपनी जामा पहनाने के लिए तैयार हैं, उसी तरह साथियों दिल्ली, उत्तर प्रदेश, NCR के लोग अगर ज्यादा से ज्यादा वहां संख्या में पहुंचेंगे तो शायद उनके मुकदमे दूर हो जाएं और वो सरकारी नौकरी पाने में सक्षम हो जाएं, नहीं तो आने वाली सरकार में उन बच्चों के मुकदमे चलते रहेंगे और उनकी जिंदगियां सरकारी नौकरी पर प्रतिबंधित हो जाएंगी। तो साथियों, आगे भविष्य में कोई भी आंदोलन अगर करने की जरूरत हमें पड़ी तो इसलिए उनके हौसला अफजाई के लिए आप 13 जनवरी रामलीला मैदान में जरूर पहुंचे, क्योंकि ये प्रोग्राम समाज का है। समाज में जिन 13 बच्चों ने शहादत दी उनकी प्रतिमाएं बड़ी सुंदर बनके उनके परिजनों को वहां सौंपी जाएंगी। आने वाले भविष्य में आप और आपके बच्चे भी इस तरीके का माहौल देखकर इस देश की उन्नति खुशहाली के लिए आंदोलित होंगे, आंदोलन करेंगे और इस देश को सशक्त बनाएंगे, बाबा साहब के अनुसार बौद्ध में बनाएंगे। ऐसे आंदोलनों को गति देने के लिए, ऐसे आंदोलनकारियों का हौसला अफजाई करने के लिए आप सभी लोगों का 13 जनवरी 2019 रामलीला मैदान में पहुंचना बहुत जरूरी है। 13 जनवरी को इतवार का दिन है, सरकारी लोगों की भी छुट्टी रहेगी, वो भी छुट्टी लेकर छुट्टी से अपने पड़ोसी मित्रों दोस्तों के साथ रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या वहाँ पहुँचे। बहुत महत्वपूर्ण सम्मान महासभा है, इसलिए फिर आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि ऐसे मौके को किसी तरीके से ना भूलें ना चूकें, वरना आने वाली पीढ़ी हमसे ये कहेगी कि जब वहाँ इन आंदोलनकारियों के लिए प्रोग्राम सम्मानित सभा चल रही थी तो मेरे पिता मेरे दादा घर में बैठे हुए थे और वो उस समाज के गद्दार साबित होंगे। इसलिए साथियों, उन सैनिकों के सम्मान के लिए रामलीला मैदान जरूर पहुँचें। बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।